सो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हम सीमेंट घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहां पे श्री जंग रोधक सीमेंट आपको दिख रहे होंगे, तो आखिर इसकी एक्सपायरी डेट कितने दिन की रहती है और कितने दिन तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप देख रहे हैं पूरे बैग में नहीं लिखा हुआ है, तो आखिर कहाँ पर लिखा हुआ रहता है। साइड में भी देखेंगे तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। चलिए मैं जो है वो पीछे पलटता हूँ, इसे इस बोरे को पीछे की तरफ पलट देता हूँ और यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखिए इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 3 महीने तक रहती है। देखिए लिखा हुआ बेस्ट बिफोर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 3 महीने, जब से बना है तब तक ये जो है वो चल सकती है। तो आखिर इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, यहाँ पे देखेंगे वीक मंथ ईयर। ईयर तो 2020 हम लोग को पता है, 2000 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे वीक और मंथ सी ऑन द साइड, जिस तरह से देखा हमने इस साइड में जो है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप इसको फिर से मैं पलटता हूँ आपके लिए ताकि आप देख पाएँ, सीख पाएँ और आपको भी जानकारी हो। आप अगर साइड में देखेंगे, यहाँ देखिए, ये मैं आपको उल्टा कैमरा दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए ये जो है ये हमारा वीक है, ठीक है। 40 लिखा हुआ है, मतलब कि 40वां सप्ताह में ये बना हुआ था, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है। और अगर बात किया जाए मंथ का तो ये 09, मतलब कि सितंबर में ये बना हुआ था 40वें सप्ताह में। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि 3 महीने तक ये चल सकता है, मतलब 9वां महीना बना है, 10, 11, 12, मतलब दिसंबर में इसकी एक्सपायरी डेट है। और अभी अगर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब मंथ चल रहा है अभी नवंबर का मंथ है, ठीक है। तो मतलब 1 महीने और ये सीमेंट चलेगा और उसके बाद में इसकी एक्सपायरी डेट पार हो जाएगी और उसके बाद ये सीमेंट जो है वो जुराई के लायक या फिर ढलाई के लायक नहीं रहेगी, हम इसको इस्तेमाल जो है वो नहीं करेंगे। दोस्तों, सीमेंट से जुड़े हुई या फिर कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुई कोई भी सवाल है आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जवाब ले सकते हैं। फिर मिलते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।